हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं इंद्र प्रकाश, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंद्रा द व्लॉगर। टुडे 23rd of October सैटरडे और दोपहर के बज रहे हैं 12:40। सो गुड आफ्टरनून फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल प्लेस। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी जगह है। ये है भाईंदर के रेलवे स्टेशन के पास और चौपाटी के पास। इस तरफ है रेलवे लाइन, आपको वायर दिख रही होगी, और इस तरफ है भाईंदर खाड़ी का मेन गेट। तो एक सवाल था अब्दुल करीम का, वो ये कि बेस्ट ट्राइपोड कौन सा है। तो बेस्ट ट्राइपोड वाली वीडियो लेकर के आ गया हूँ। मेरे पास कुछ ट्राइपोड्स है इस बैग के अंदर, उनको खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ उसकी खासियत, और फिर आप चूज़ करना कि आपको किस वजह से कौन सा ट्राइपोड यूज़ करना है, कौन सा बेस्ट है। ये मैं भी बताऊँगा और आप भी समझ सकते हो, है ना, क्योंकि आपके पास जब ऑप्शन रहेंगे तभी तो आप चूज़ करोगे कि बेस्ट कौन सा है, राइट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, मेरे पास जो भी ऑप्शंस हैं 3-4 वो मैंने निकाल दिया है। 3 भी नहीं बोलूँगा, 4 भी नहीं बोलूँगा। उसकी एक वजह है, एक छोटा सा स्टैंड है, उसको आप ट्राइपोड कह सकते हो। जिस जगह पर वीडियो शूट करने के लिए आया हूँ ना, यहाँ पर ये भी झेलना पड़ेगा। आज बार बार यहाँ से ट्रेनें आएंगी जाएंगी और मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी, और यहाँ पर ड्राइविंग चल रही है, मतलब सिखा रहे हैं कार ड्राइविंग। 3 भी नहीं कहूँगा, 4 भी नहीं कहूँगा। उसकी वजह यही है कि भाई मेरे पास एक छोटा सा स्टैंड है ब्लैक वाला, जो आपने कभी किसी ने वीडियो किसी वीडियो में तो देखा ही होगा। तो यही है मेरे पास 3-4 ट्राइपोड जिनकी खासियत की बात की जाए। तो चलिए अब इन चारों की खासियत की बात की जाए। तो इसकी खासियत क्या है, बहुत छोटा सा है, बहुत पोर्टेबल है, आप इसको पॉकेट में भी रख सकते हो, पर पॉकेट में रखना मत क्योंकि ये चुभ जाएगा, ओके। तो इसकी खासियत है कि इसके अंदर 1, ये 2 और ये 3, ये 3 एंगल हैं। इस 3 एंगल में आप मोबाइल को रख सकते हो, किसी भी सरफेस, प्लेन सरफेस पर रख करके। तो आप चाहो तो वीडियो शूट कर सकते हो, आप अपने घर के आसपास हो, आप खिड़की पर इसको रख सकते हो, उसके सामने आप चेयर पे या सोफा पे, बेड पे आप बैठ सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो। ये छुटकू सा है, इसको अंडर एस्टिमेट मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत पोर्टेबल है और इसमें भी 3 एंगल हमको मिलते हैं। तो हम लोग चाहें तो इसके आगे पीछे कुछ ऐसा रख के, कोई चीज़ रख के टेढ़ा मेढ़ा करके थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये सबसे पहला, सबसे छोटा, ये घर में रखना चाहिए, खाते पीते समय या कोई काम करते समय आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं वीडियो शूट करने के लिए तो एटलीस्ट इस काम के लिए कि आप कुछ टाइम पास कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल को इस पर वैसे लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल में रख सकते हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा, राइट। ये आपको 10-20 रुपए में किसी भी मोबाइल के शॉप से मिल जाएगा, जहाँ पर मोबाइल के एसेसरीज मिलती हैं, जहाँ स्पीकर्स मिलते हैं, ईयरफोन मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, कवर केस वगैरह मिलता है मोबाइल का, वहाँ से ये मिल जाएगा 10-20 रुपए के अंदर। सो ये है अपना पहला ट्राइपोड, इसको मैं कई जगह पर लेकर के जाता हूँ, इसके लिए आपको बता दिया। तो इसको आप ट्राइपोड ना भी कहो तो भी चलेगा, एक छोटा सा स्टैंड है। अब मेन ट्राइपोड्स की बात करते हैं, जो 3 हैं वो खास हैं, राइट। सो पेश है आपके सामने हमारा पहला ट्राइपोड है, जो है डिजिटेक DTR 200MT। यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग है एक्चुअली, बट वो मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ कर लिया है, नियर अबाउट 1 ईयर कम्प्लीटली, सो मिट गया है। बट फिर भी आप देखना चाहो तो दिखाने की कोशिश करता हूँ, कितना भी मिट गया है लेकिन आप अब देख सकते हैं डिजिटेक लिखा हुआ, राइट। तो अब हम बात करते हैं इस ट्राइपोड के बारे में। इसकी खासियत ये है कि इसका सबसे पहला तो ये जो मोबाइल का होल्डर है वो इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, और इसको आप यहाँ से निकाल सकते हो, ओके। अब इसकी दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है इसका बॉल हेड दिया हुआ है, बॉल हेड ये होता है, इसको आप मूव कर सकते हो किसी भी सरफेस पर। आपने इसका जो ये 3 लेग बेस है, इसको आपने समझ लो टिका दिया है, कहीं पर रख दिया है, रखने के बाद आपको एंगल थोड़ा सा समझ लो चाहिए ऐसा कुछ, है ना, मोबाइल यहाँ पर लगा है, आप यहाँ से खड़े होकर के बोलने वाले हैं, आपको ये एंगल चाहिए, तो आप इसको मूव कर सकते हैं ऐसे, जैसा भी चाहिए वैसा। तो इसका बॉल हेड है, कुछ ट्राइपोड ऐसे आते हैं जिसके अंदर बॉल हेड नहीं होता, वो स्ट्रेट, मतलब सिर्फ ऐसे ये स्ट्रेट होता है, और इसके ऊपर ये सिर्फ ये मोबाइल होल्डर होता है, बॉल हेड नहीं होता। ये बॉल हेड भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं, वो भी दिखा देता हूँ। और अब आप इसको चाहो तो किसी और ट्राइपोड में भी फिट कर सकते हो, वो भी मैं दिखाऊँगा कुछ देर के बाद। ये डिजिटेक का बॉल हेड, ओके। इसके बाद में एक और इसकी खासियत है, वो है, बहुत छोटी चीज़ है, जल्दी दिखेगी नहीं, ये है, ये
अब इसकी खासियत क्या है, अगर आप इसको इस पर रखते हैं तो आप ज़्यादा वाइड इसके तीनों पैरों को फैला सकते हैं, है ना। और अगर आप इस पर रखते हैं तो ज़्यादा ऊंचा रहेगा, इससे नीचे आ जाएगा, वाइड हो जाएगा पैर, और इससे ट्राइपॉड थोड़ा ऊंचा रहेगा। ये खासियत है इसकी। ओके, अब बाकी इसके जो थ्री लेग बेस हैं वो इतने चौड़े होते हैं, और इसको आप चाहो थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, थोड़ा और बड़ा कर सकते हो। वो यहाँ पर ये बटन दिख रही है, इसको प्रेस करना है, प्रेस करके नीचे, सेम हियर, अभी हो गया थोड़ा और लंबा। ओके, अब आप चाहो तो आपको ये ट्राइपॉड अभी इतना लंबा दिख रहा है, राइट, पहले इतना लंबा नहीं था। तो ये इसकी खासियत है। बाकी इसके अंदर एक माइनस पॉइंट है जो आपको मैं पहले ही बता दूं, इसका जो माइनस पॉइंट है वो सिर्फ ये है कि इसके लेग फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे आप कहीं पर आ जा रहे हैं, कहीं ग्रिल है, कोई जाली है, वहाँ पर आप फोल्ड नहीं कर सकते इसको, है ना। आप किसी भी प्लेन जगह पर सिर्फ रख सकते हैं। और इसकी मोबाइल होल्डर के ऊपर ऐसा कोई शू माउंट नहीं है जिस पर आप माइक लगा सकें। ये दो चीज़ इसके माइनस पॉइंट है, बाकी सब कुछ प्लस प्लस है, सब कुछ बहुत बढ़िया और तगड़ा पीस है। तकरीबन मैंने इसको लिया था 400 के आसपास में। काफ़ी सारे ट्राइपॉड आते हैं 500 के आसपास, पर वो उतने अच्छे नहीं होते जितना अच्छा मुझे ये लगा। और इसकी खास बात ये है, इसका लेग लंबा हो जाता है, और इसका आप और चेंज कर सकते हैं। आपको ट्राइपॉड थोड़ा ऊँचा करना है और नीचे करना है, या जो ज़्यादा नीचे करना हो तो भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यार, आप चाहें तो बॉल हेड हटा दें, सिर्फ ट्राइपॉड के अंदर इसका होल्डर लगा दें, बहुत कुछ तरीका है, बहुत तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे ट्राइपॉड की तरफ। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डिजिटेक DTR 200 MT किस काम का है। ओके, अब अपने प्रोफेशनल ट्राइपॉड्स में से डिजिटेक का जो आपने देखा वो फर्स्ट था, और ये है सेकेंड, और ये है यूलानजी MT-11। तो इस ट्राइपॉड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर आप चाहें तो उस ट्राइपॉड का होल्डर लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें कोई बड़ा कैमरा लगाने को तो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। पर हाँ, एक बात बता दूँ, ये उतना ज़्यादा वेट कैरी नहीं कर सकता DSLR वाला। ओके, पॉइंट एंड शूट कैमरा जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सोनी का हो, कैनन का हो, निकॉन का हो, पैनासोनिक का हो, किसी भी कंपनी का हो, उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, DSLRs आप यहाँ पर ना रखें, क्योंकि उतना ज़्यादा ये सेफ़ नहीं है मोबाइल के लिए, पॉइंट एंड शूट के लिए बेस्ट है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्वार्टर स्क्रू माउंट दिया गया है, यहाँ पर आप होल्डर लगा सकते हैं या फिर वो सब कैमरास लगा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये ऐसे ओपन होता है, ये इनबिल्ट होल्डर है इसके अंदर, ऐसा दिया हुआ है। तो ये होल्डर है, जो भी मोबाइल आप चाहें यहाँ पर लगा सकते हैं आराम से। ओके, एंड यहाँ पर इसमें दिया गया है कोल्ड शू माउंट, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, वो ये कि यहाँ पर आप एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं, शॉटगन माइक जो होते हैं खास करके, उनको आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और ये फोल्ड भी होता है, तो वो यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल लग जाएगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको दिया गया है वाटर लेवलिंग, इससे आप अपने ट्राइपॉड का लेवल सेट कर सकते हैं कि बराबर लेवल में है या नहीं। अब इसके अंदर भी इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं ना, कि किधर आपको सेट करना है, वाटर लेवल इक्वल होना चाहिए, मतलब एंगल आपका स्ट्रेट होना चाहिए ट्राइपॉड उसके लिए। तो इसमें भी बॉल हेड दिया गया है, इसका भी बॉल हेड आप मैनेज कर सकते हैं, आपको कौन सा एंगल चाहिए, कैसा एंगल रखना है वो आप इससे पसंद कर सकते हैं, वो आप ऐसा चूज करके आप अपने अकॉर्डिंग वो एंगल सेट कर सकते हैं बॉल हेड से। तो इसका बॉल हेड मैनेज करने के लिए ये आपको दिया गया है डाउन, डाउन करके आप मूव कर सकते हैं, अप करके ऐसे आप सेट कर सकते हैं, ठीक। और इसका भी बॉल हेड यहाँ से रिमूव होता है, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। ओके, अब आप इस बॉल हेड को डिजिटेक के ट्राइपॉड में लगा सकते हैं, और इस ट्राइपॉड में डिजिटेक का बॉल हेड और होल्डर लगा सकते हैं। पहले इसको इसमें लगा दिया जाए। अब इसका भी थ्री लेग है, ये तीनों लेग ऐसे खुल जाते हैं, और इनकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये फ्लेक्सिबल हैं, इनको आप जैसा चाहें वैसा कहीं पर भी कैसे भी सेट कर सकते हैं। ओके, आप चाहें छोटा कर सकते हैं, आप चाहें इनको सीधा कर दें, बड़ा हो जाएगा। आप कहीं पर इसको बांधना चाहें किसी भी जगह पर, तो आप चाहें तो वहाँ बांध सकते हैं, दिखाता हूँ आपको, ये लो। तो इसका कुछ भी किया जा सकता है,
ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसका जो लेग है वो फ्लेक्सिबल है, एंड इसकी जो सबसे बड़ी खासियत वो ये कि इसके अंदर कोल्ड शू माउंट दिया गया है जिसमें आप एक्सटर्नल माइक, शॉटगन माइक लगा सकते हैं, वाटर लेवलिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये हो गई इसकी खासियत। आप इसको जान चुके होंगे कि रिलायंस जी MT-11 किस काम का है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे ट्राइपॉड की तरफ जिसके ऊपर ये कैमरा लगा हुआ है। बड़े ट्राइपॉड की वीडियो शूट करने के लिए मुझे अपने फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड को किसी ऐसी जगह पर लगाना होगा जहाँ से आई लेवल पे कैमरा सेट हो सके और मैं इसको अच्छी तरीके से दिखा सकूँ। तो मुझे आगे एक गेट दिख रहा है, गेट के पास में इसको लगा देते हैं और फिर वहाँ से वीडियो शूट करना स्टार्ट करते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड है इसका प्रॉपरली यूज़ क्या है, इसको कहाँ यूज़ किया जा सकता है और कैसे। सो फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपके पास ये गेट दिख रहा है, इस पर भी मैं लगा सकता हूँ, या फिर ब्लैक वाला गेट है इस पर भी लगा सकते हैं। ओके, अब ये यहाँ पर प्रॉपरली सेट हो चुका है। अब इसका जो एंगल है उसको, मतलब इसका जो होल्डर है, होल्डर को सीधा कर लिया जाए, मोबाइल को यहाँ पर फिट करते हैं और फिर इसका बड़े वाले ट्राइपॉड का रिव्यू करते हैं। इस ट्राइपॉड को मैंने लिया था तकरीबन 2013 में और अभी तक मैं इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक चल रहा है, ख़राब हुआ नहीं है। थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ हुआ है बट काम चल रहा है प्रॉपरली। और ये किस ब्रांड का है ये तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, और इसकी खास खास बातें बहुत सारी हैं जिनको एक एक करके बात किया जाए। सबसे पहले तो ये जो प्लेट है ये यहाँ से रिमूव हो जाती है। इसको आप यहाँ से निकालने के बाद में अपने DSLR से अटैच करने के बाद यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़, इसके अंदर भी वाटर लेवलिंग दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप इसका लेवल सेट कर सकते हैं एंड इसको भी आप खोल सकते हैं ऐसे। ये भी इसका ढीला होता है, इसे आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये जो चीज़ है इसको अगर आप ओपन कर देंगे तो इसको साइड बाय साइड रोटेट कर सकते हैं, एंड इसका ये वाला जो एंगल दिया हुआ है इसको आप लूज़ कर लें तो आप इसको नीचे कर सकते हैं। नीचे करेंगे कैसे, इससे ये ऐसे नीचे आ जाएगा। ओके, और इसको चाहें तो ऐसे करके यहाँ सेट कर सकते हैं बंद करने के लिए। एंड इसकी जो लेग हैं काफ़ी बड़े हैं, तकरीबन आप समझ लो 5 फीट के आसपास। ये भी बंद हो जाता है, इसका लेग आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको छोटा ट्राइपॉड भी बना सकते हैं बट दिन टू 1 फुट से तो ज़्यादा ही बड़ा होगा ये, ऐसा मुझे लगता है। अब ये ट्राइपॉड हो गया इतना, सिर्फ इतना सा है ये ट्राइपॉड, पर पहले कितना ज़्यादा बड़ा था। तो ये यूज़ है इसका। ये एक बड़ा ट्राइपॉड आपके पास होना ही चाहिए। आप घर पे बैठ करके वीडियो बना रहे हों या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हों, या जैसे कोई आपको बड़ा शॉट लेना है, आप कहीं से वॉक करके आ रहे हैं तो वो शॉट आप कैसे लेंगे। हर जगह पर ऐसा कुछ तो मिलेगा नहीं कि आप किसी पेड़ की टहनी पर या फिर किसी ऐसी लोखंड की किसी भी जगह पर, ग्रिल पर, पाइप पर कहीं लपेट दें इस फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड को, राइट। तो ये होना एक ज़रूरी है। उसके अलावा आप चाहें तो फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड ले लें या फिर जो मेरा छोटा वाला है डिजिटेक का, वैसा कुछ ले सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ 1:26, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और लगभग मैंने सारे ट्राइपॉड्स का रिव्यू कर दिया है। आपके काम का कौन सा है वो आपको चूज़ करना है। ये छोटा वाला आपको चाहिए, पोर्टेबल है, ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे इसमें, थोड़े फीचर्स मिलेंगे, काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट फीचर्स इसके अंदर मिलने वाले हैं, ये ऑल इन वन है, ये अगर आपके पास है तो आप सब काम इससे कर सकते हैं। एंड एक बड़ा ट्राइपॉड जो ये है ये भी आपके पास होना चाहिए। सो यही थे वो ट्राइपॉड्स जिनका मैं यूज़ करके अपनी वीडियोस को बनाता हूँ, एंड आप चाहें तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं, बट जो मैं रिकमेंड करूँगा दैट इज़ दिस वन, ये सबसे बेस्ट है। एंड मैंने आपसे कहा था कि इसका बॉल हेड उसमें, उसका बॉल हेड इसमें, वो भी करके देख लेते हैं। तो अब बारी है बॉल हेड चेंज करने की, तो एक एक करके निकाला जाए। ये डिजिटेक का ये है ट्राइपॉड, ये है बॉल हेड, एंड ये है यूलेंजी का, ये है यूलेंजी का ट्राइपॉड एंड ये है उसका बॉल हेड। अब यूलेंजी का बॉल हेड डिजिटेक के ट्राइपॉड में
मैं इसको ऐसे कभी यूज़ तो किया नहीं हूँ पर करूँगा ज़रूर। पर हाँ एक चीज़ है, तो सो ये इनका मतलब कटिंग जो होती है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो इस तरीके से होती है कि सारे का साइज़ एक जैसा होता है। सो डिजिटेक के ट्राइपोड का जो स्क्रू माउंट है वो यूलानजी के बॉल हेड में फिट बैठता है, और यूलानजी का जो ट्राइपोड है ये भी डिजिटेक के बॉल हेड में प्रॉपरली सेट हो जाता है। ये कॉटो स्क्रू जो होता है ना ये सबके अंदर सेम ही होता है, और ये इसका माउंट, अब इसको लगा देते हैं। अब ये मेरे लिए यूज़ करना ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि यार जब मैं इसके अंदर शूट करता हूँ, अभी हमारे कैमरे का इंटरनल माइक जो है वो काफ़ी अच्छा है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी आती है, तो मुझे वाइड एंगल चाहिए होगा, तो वाइड एंगल के लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा कर दिया, समझ लो ऐसा, ठीक, और मैंने यहाँ पर मोबाइल लगा दिया और इसको इस तरीके से यूज़ कर लिया, तो काफ़ी लंबा हो जाता है, मैं काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल शूट कर सकता हूँ इससे। इसको मैं ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, ओके। एंड जो डिजिटेक का ये छोटा वाला ट्राइपोड है, इसके साथ में यूलानजी का बॉल हेड और इसका ये जो होल्डर है इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, वो इसलिए कि छोटा ट्राइपोड है। और इसकी एक और बात है, मेरे पास माइक्स भी हैं दो तीन, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बेस्ट माइक का भी वीडियो बना दूंगा। तो जब मैं इस ट्राइपोड के साथ में यूलानजी का ही बॉल हेड और होल्डर लगाता हूँ और यहाँ पर मैं माइक लगा देता हूँ शॉटगन माइक, तो आवाज़ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, क्योंकि माइक थोड़ी सी दूर हो जाती है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जब भी मुझे एक्सटर्नल माइक यूज़ करना होगा शॉटगन माइक, तो उसको यहाँ पर लगाऊंगा। तो छोटा सा ट्राइपॉड है मेरा, थोड़ा पास रहेगा तो ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी। एक और चीज़ है वो ये कि उसके अंदर हम वाइड एंगल नहीं ले सकते, वाइड एंगल शूट करने के लिए अगर मैं एक्सटर्नल माइक का यूज़ करता हूँ तो माइक उसके अंदर दिखता है। तो ये सब तरीके हैं, इसको हम लोग इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, और चेंज करके इनका प्रॉपरली यूज़ किया जा सकता है, पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है आप चाहें तो। इस दो को आप तीन कर सकते हैं। सो ये थे मेरे पास तीन चार ट्राइपोड्स जिनको आपने देख लिया। अब उस ये जो दोनों हैं, फ्लेक्सिबल वाला और ये वाला, इन दो का आप तीन कर सकते हैं, राइट। सो अब चलते हैं घर पर, इनको ऐसे ही रखता हूँ मैं क्योंकि इसी तरीके से मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, राइट। सो गाइस, यही तीन चार ट्राइपोड्स हैं जिनका मैं यूज़ करता हूँ हमेशा ट्रैवलिंग वीडियोस के लिए, एंड घर पर भी रहता हूँ तो जो मैं होम जो घर की वीडियोस होती हैं स्टेबल, जहाँ पर आपको सिर्फ बैठे ही रहना है या स्टैंडिंग ही रहना है, तो उसके लिए मैं बड़े वाले ट्राइपोड को यूज़ कर सकता हूँ, मैं करता भी हूँ। सो या देयर इज़ इट, अब मुझे लगता है कि इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहिए। अब आप लोग चूज़ कर लो कि आपकी यूज़ के अकॉर्डिंग कौन सा ट्राइपोड सबसे बेस्ट है आपके लिए। मैं रिकमेंड करता हूँ फ्लेक्सिबल वाला, क्योंकि उसको आप उसके मल्टीपल यूजेस हैं, उसके आप उसके अंदर आप शॉटगन माइक भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा ट्राइपोड नहीं है, आपको कोई जुगाड़ बन जाता है, कहीं पर ऐसी कोई पाइप मिल जाती है, कोई पेड़ की टहनी मिल जाती है, तो आप इस ट्राइपोड का वहाँ पर यूज़ कर सकते, एकदम टॉप लेवल एंगल भी यूज़ कर सकते हैं। सो या देयर इज़ इट इन दिस वीडियो। स्टूडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों को, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने दिल की बात कमेंट करना। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो आई थिंक अब अब्दुल करीम को क्लियर हो गया होगा कि भाई कौन सा ट्राइपॉड लेना चाहिए, और अब्दुल करीम जैसे और भी काफी सारे भाई बहन हैं जिनको इस वीडियो का शायद इंतजार रहा होगा कि ऐसी कोई वीडियो बनाओ जिसमें हम ये एटलीस्ट चूज कर सकें कि बेस्ट ट्राइपॉड कौन सा है। तो ये वीडियो है आपके सामने हाजिर। बाकी आपके और भी कोई सवाल होंगे तो आप लोग सवाल कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। एंड मेरे पास माइक्स भी दो हैं, तो आप चाहें तो उसका भी, आप चाहें तो पूछ सकते हैं कि बेस्ट माइक कौन सा है। बेस्ट ट्राइपॉड वाली वीडियो तो आपको पसंद आई होगी। बाय बाय।